एक और अहम खबर दें आपको, पीआईए पायलट्स की इंक्वायरी के नाम पर लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाईकोर्ट का डीजीसीएए को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुलरहमान से। अब्दुलरहमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने कौमी एयरलाइन के पायलट की इंक्वायरी के नाम पर लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त पर डीजी सिविल एविएशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है, जबकि अदालत ने सिविल एविएशन के सीनियर ला अफसर को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में जवाब में तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने केस की समाअत की, जबकि दरख्वास्तदार बिलाल चुगताई के वकील मोहम्मद शानगुल ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि कौमी एयरलाइन के पायलट को कानूनी जवाब के बगैर एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए और इनके जो 4 साल कबल महकमाना तरक्की के लिए इम्तहान दिया गया था और 4 साल तक उनके लाइसेंस की तजदीद की गई और अचानक जो है किसी कानूनी जवाब के बगैर इनके तमाम जो लाइसेंस है वो मुअत्तल करके उनके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया गया है, जो कि उनको हौसला शिकनी की गई और उनका मुस्तकबिल जो है वो दांव पर लगा दिया गया है, जिस पर अदालत ने डीजी सिविल एविएशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। जी बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान इन तफसीलात के लिए। एक और आम खबर दें आपको।